दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टारजन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं चरौद प्रखंड के हनुमान चौक पे और मैं आपको बता दूं कि यहां पे अभी थोड़ी देर में विधायक मुकेश कुमार यादव शिव शक्ति ऑटोमोबाइल का उद्घाटन करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि शिव शक्ति ऑटोमोबाइल का लगभग 20 साल पूरा हो चुका है और 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज वो अपने दूसरे ब्रांच यानी कि शिव शक्ति ऑटोमोबाइल पार्ट 2 का उद्घाटन चरौद में किया जा रहा है, जिसका शुभ उद्घाटन बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव फीता काटकर करेंगे। आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं और बात करेंगे यहाँ पे मुख्य अतिथि से और यहाँ के जो ऑनर हैं रोशन जी, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने नाम के अनुरूप रोशन, जी हाँ, इन्होंने आज से 20 साल पहले मात्र 5 गाड़ियों से शुरुआत की थी पुपरी में और आज इनके पास लगभग 500 बजाज की गाड़ियां इनके विभिन्न शोरूम में मौजूद है। जी हाँ, इनकी पहली जो ब्रांच है वो पुपरी में है और आज दूसरी ब्रांच का उद्घाटन यहाँ चरौद के हनुमान चौक पे किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय विधायक मुकेश कुमार जी करने वाले हैं। तो आइए हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा दे और हम बात करेंगे यहाँ आए हुए अतिथियों से भी जो यहाँ पे आए हैं उद्घाटन के मौके पे, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस उद्घाटन के मौके पे। तो आइए अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे और बात करेंगे यहाँ पे आए हुए मुख्य अतिथि से। इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधित सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड पुपरी बाजार, प्रोपराइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य। अभी अभी आपने शिव शक्ति ऑटोमोबाइल्स का यहाँ पे पार्ट 2 का उद्घाटन किया है चरौद, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं शिव शक्ति ऑटोमोबाइल्स के जो प्रोप्राइटर रोशन जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए एक सुविधा यहाँ एजेंसी खोलकर सुविधा देने का काम किए हैं, क्योंकि चरौद के अगल बगल में जो गांव होंगे इनको अगर कहीं गाड़ी लेना पड़ता था तो पुपरी या सीतामढ़ी जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ सहूलियत हुआ है जब बगल में चरौद में खुलने से इस इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जो बगल में आपके चरौद में ही बजाज के शोरूम खुला है और यहाँ से अपनी गाड़ी बाइक खरीद सकते हैं और मेरी भी शुभकामना रहेगा कि ईश्वर इनको जब पुपरी में खुले सेकेंड ब्रांच यहाँ खुले और इनका ब्रांच जगह जगह खुले और ईश्वर इनको उन्नति दे ताकि ये अपने उन्नति के साथ साथ लोगों की भी सुविधा बढ़ता रहे और लोगों की सुविधा मुहैया कराते रहे। त्योहारों का मौसम तो चल ही रहा है नेता जी, विधायक जी, और चुनावी मौसम भी चल रहा है। आप बाजपट्टी विधायक हैं और इन दिनों आपकी भी सक्रियता मैं काफ़ी देख रहा हूँ सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में, इस पर भी हम कुछ जानना चाहेंगे। नहीं, हम लोग आज तो आए हैं रोशन भाई के गाड़ी के ऑटोमोबाइल के उद्घाटन में, सेमिनार में। हम राष्ट्रीय जनता दल के और अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू यादव के एक सिपाही हैं और अपने आप के एक छोटा सा कार्यकर्ता मानते हैं। मैं लोगों से आज नहीं आप लोगों के सामने में कहना चाहता हूं, लेकिन आप छेड़ दिए हैं तो मैं बोल देता हूं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जिस काम पर चुनाव लड़े थे उनका मकसद था और मैनिफेस्टो में था कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई और कार्रवाई वाली सरकार बने और नौजवानों को रोज़गार देने वाली सरकार बने। संजोग से उस समय सरकार में हम लोग नहीं आए, लेकिन बाद में जो महागठबंधन की सरकार बनी उसमें हम लोग के नेता की भी सहभागिता है, हम लोग की भी सहभागिता है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहे थे जब मैंने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, पूरी तरह जो महागठबंधन की सरकार है उस पर खड़ा उतर रही है और सभी विभाग में अभी देखिए 1,22,000 BPSC के माध्यम से टीचर की भी बहाली हुई, जिनकी नियुक्ति पत्र 2 तारीख के गांधी मैदान में बांटा जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग में नर्स की बहाली हुई, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर की बहाली हुई, बिहार पुलिस की बहाली हुई, दरोगा की बहाली हुई, राजस्व विभाग में कर्मचारी की बहाली हुई, डाटा ऑपरेटर की बहाली हुई, सभी विभाग में, वित्त विभाग हो, जितने विभाग हैं उस सभी विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्तियां खंगाली जा रही हैं और नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जा रही है, जो मानदेय पर जिनकी नियुक्ति हुई थी उनकी मानदेय की भी वृद्धि हो रही है। जिस तरह से तालीमी मरकज हो या टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, आंगनवाड़ी हो, आशा हो, सभी विभाग में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक मिसाल कायम कर रहे हैं और वो अपने काम के आधार पर, वो अपने वादा के आधार पर लोगों के प्रति, लोगों के बीच में अपना जो विश्वास जमा रहे हैं, यह एक अनुकरणीय है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, रोजगार, तो इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि रोशन जी भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। एकदम इन्होंने पुपरी में और यहाँ पे दो दो एजेंसी खोला है, यहाँ भी रोजगार का सृजन। एकदम जैसे रोशन जी का ऑटो एजेंसी पुपरी में था जी। तो वहाँ जो स्टाफ थे अब चरौत में हुआ है, तो यहाँ इनके एजेंसी के माध्यम से दस बीस लोगों का यहाँ भी रोजगार होगा, ये भी रोजगार हुआ। इसके लिए रोशन जी भी ना, इसके लिए रोशन जी बधाई के पात्र ही नहीं है, इस इलाके के लोगों को भी बधाई देना चाहिए जो हमारे बीच में, और हम रोजगार भी दिए और हम लोग को सुविधा भी मुहैया कराए रोशन जी, इसलिए इन काबिले तारीफ है। इनकी जितनी बधाइयाँ दें सब लोग मिलकर इनको बधाई देनी चाहिए। शक्ति ऑटोमोबाइल्स के उद्घाटन के मौके पर बाजपट्टी से यहाँ चुनौत चल कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे शक्ति ऑटोमोबाइल्स? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारतवासी, जिलावासी, सभी लोग को दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हैं। और अभी हम लोग बाजपट्टी के लोकप्रिय माननीय विधायक के साथ बाजपट्टी के क्षेत्र दौरा पे थे, जहाँ जहाँ पूजा पंडाल है वहाँ हम लोग घूम रहे थे। तभी जानकारी मिली कि चुनौत में शिव शक्ति ऑटो मोबाइल के उद्घाटन में जाना है, तो इनकी लोकप्रियता इतनी है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग को एहसास नहीं होता है कि हम लोग किसी विधायक के साथ हैं। तो ऐसा होना भी चाहिए कि विधायक ऐसा हो कि आपको एहसास नहीं हो कि हम किसी विधायक से बात कर रहे हैं, किसी मुखिया से बात कर रहे हैं, किसी समिति से बात कर रहे हैं। तो इनका लोकप्रिय, और इन्हीं के साथ हम लोग अभी बाजपट्टी में हर पंडाल में घूमे हैं, कुछ पंडाल बचा है तो कल हो सकता है हम लोग बाजपट्टी का दौरा, अभी हम लोग यहाँ का उद्घाटन करने के बाद बनौल जाएंगे। और रही बात शिव शक्ति ऑटो मोबाइल की, तो इनको रोशन जी को मैं बधाई देता हूँ कि इनका जो एक ब्रांच पुपरी में है और दूसरा जो यहाँ किए हैं, तो तमाम जो आसपास के लोग हैं जिनको दूर जाना पड़ता था गाड़ी लेने के लिए या जो दिक्कत आती थी, अब उन लोगों को यहीं लोकल में, जो चुरौत के आसपास के जो भी गांव के लोग, उनको यहीं अगर नज़दीक में कम रेट पे देंगे तो इनसे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है जी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ प्रमुख साहब, कि इनके शिव शक्ति ऑटोमोबाइल्स में ये त्यौहार के मौसम पे उपहारों की तो बौछार थी इन्होंने लगा दी है। उपहार अगर दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि चुरौत के साथ साथ बाजपट्टी में भी ब्रांच डालें, और जहाँ तक सहयोग की बात है तो हम लोग इनके साथ रहेंगे। आप पूर्व नगर अध्यक्ष रहे पुपरी में, और शिव शक्ति ऑटोमोबाइल लगभग 20 साल तक पुपरी में अपनी सेवा देने के बाद आज चुरौत में इन्होंने अपने एक एजेंसी का उद्घाटन किया है। और आप उस समय आपके ये पड़ोसी भी हुआ करते थे, आपके पड़ोस से इन्होंने शुरुआत की थी, एक छोटी सी दुकान से इन्होंने शुरुआत की थी, आज शहर का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल है इनका और उसका दूसरा ब्रांच यहाँ पे खुला है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई एवं हम लोग को यहाँ आमंत्रित किए इस उद्घाटन के अवसर पर शिव शक्ति ऑटोमोबाइल के प्रोप्राइटर रोशन जी को भी धन्यवाद और बधाई देते हैं। प्रमुख साहब बोले अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, इसके लिए भी पूरे देश और राज्यवासी को बधाई दे रहे हैं। रही शिव शक्ति बजाज का उद्घाटन का जो मौका है, सही बोले इन लोगों ने, पहले मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर या इधर मधुबनी जाना होता था, लेकिन आज ये हमको लगता है मधुबनी और सीतामढ़ी के बॉर्डर पर ये है दुकान। हमको पूरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह पुपरी में 5 मोटरसाइकिल से ही उद्घाटन किए थे, आज वहाँ 400-500 मोटरसाइकिल हमेशा उपलब्ध है। हम चाहेंगे उसी तरह यहाँ भी
यहाँ के लोगों के सहयोग से एजेंसी का उन्नति हो और इनके साथ साथ यहाँ के लोगों को भी जो सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर जाने में एक्स्ट्रा खर्चा होता था वो सब खर्चा बचेगा और उसी रेट पर मुजफ्फरपुर के रेट पर जब आपको चरौत में गाड़ी मिलेगी तो स्वाभाविक है यहाँ चलेगा। और रही इनकी विश्वसनीयता की बात तो आपको हम बता ही दिए कि 500 मोटरसाइकिल आज पुपरी में रखे हुए हैं ये, तो उसी तरह यहाँ भी आज 25 मोटरसाइकिल है तो हम चाहेंगे 500 मोटरसाइकिल हो। और सबसे पहले विधायक जी को, माननीय विधायक जी को, प्रमुख साहब को के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस उद्घाटन समारोह के लिए समय निकाले। इसके लिए आप लोगों के एजेंसी मालिक के तरफ से, सब लोगों के तरफ से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सब लोगों को आदाब नमस्कार प्रणाम। चरौत पूर्वी पंचायत के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और आज आपके यहाँ शिव शक्ति ऑटोमोबाइल अपना एक ब्रांच खोल रहा है और इस मौके पर आप उद्घाटन के मौके पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यह आज हमारे प्रखंड मुख्यालय के लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं प्रोपराइटर को ही बधाई देना चाहता हूं। ये प्रखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रखंड था लेकिन अब बाहर बाहर के जब व्यवसायी यहाँ आ रहे हैं तो हमें लगता है कि इसका ही विकास निश्चित रूप से होगा। और सड़कें बनने से सुविधा हुई है और लोग यहाँ भी गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं जिनको बाहर जाना पड़ता था, अब लोगों को यहाँ सुविधा होगी सर्विस पॉइंट पर सर्विस कराने में और यह बड़ी खुशी की बात है। जी, पहले यहाँ के लोगों को सीतामढ़ी या तो मुजफ्फरपुर, जी दरभंगा, हाँ बिल्कुल, और कुछ हद तक पुपरी में भी लोगों को हाँ जाना मिल जाती थी गाड़ी, हाँ लेकिन मिल जाते हम पसंद नहीं मिला करता। हाँ, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन है कि कई एजेंसियाँ हैं, जी जैसे पूर्व से भी दो एजेंसी है, एक एजेंसी यह हो गया तो अब लोगों को है कि वह क्वालिटी कौन ले, क्वांटिटी कौन ले, और सुविधा लोगों के हो गए सबसे बड़ी बात यह। और एक और बड़ी बात यहाँ पे यह है कि शिव शक्ति ऑटोमोबाइल्स का ये दूसरा ब्रांच है यहाँ पे पुपरी में, और इसका बड़ा ब्रांच पुपरी में हेडक्वार्टर है। अगर किन्हीं को ये यहाँ पसंद नहीं आती है गाड़ी या रेट वेट में कुछ नहीं समझ में आए तो पुपरी जाके ले लेंगे, मेन ब्रांच में जाके ले सकते हैं। रोशन जी पहले से ही व्यवहार कुशल लोग हैं, इनके जो प्रोपराइटर हैं इनको हम लोग विगत 20-25 सालों से जानते हैं, शुरू से व्यवहार कुशल लोग हैं ये, इसलिए हम लोग इनको शुभकामना और बधाई देते हैं जी। और आपको ही बहुत बहुत बधाई देते हैं जो यहाँ तक आए हैं आप। जी। रोशन जी की बात चली तो हमें भी वो दिन याद है कि जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने खोला है छोटा सा ब्रांच, तो पुपरी में भी उन्होंने ऐसी ही छोटी सी शुरुआत की SBI के सामने, पुराने SBI के सामने खोले, और आज ऊपर वाले की दया से बहुत बड़ा हिस्सा पुपरी में, सबसे बड़ा अगर एजेंसी कहा जाए तो भी आज इन्हीं के पास है, रोहन जी के पास है, और शुरू से ही मेहनती लोग हैं और ईमानदार लोग हैं और इनको हम लोग सबसे बड़ा इनका व्यवहार है। हाँ, इनको सफलता मिले इसकी बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जैसा कहा जाता है कि बिजनेस व्यवहार से ही चलता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं सच्चा कहीं इसमें कुताही नहीं है जी। और व्यवहारिक लोग हैं तो व्यापार इनका निश्चित रूप से चलेगा। चरौत सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छा जगह है, यहाँ जो है सो बहुत अच्छे लोग हैं जहाँ से इनको कोऑपरेशन मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत शुक्ला जी। धन्यवाद हमारे सभी चैनल की ओर से। रोशन जी आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने बजाज, शिव शक्ति बजाज का दूसरा ब्रांच यहाँ पे खोला है चरौत में, बहुत बहुत इसके लिए बधाई हो हमारी सभी चैनल की ओर से। जी धन्यवाद, आप तमाम पत्रकार और सारे ग्राहकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। यहाँ मेरा 20वां साल पूरा होने जा रहा है पुपरी का बजाज एजेंसी का, और ये 20वां साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मैं ये दूसरा ब्रांच चरौत में डाल रहा हूँ। आप तमाम ग्राहकों से अनुरोध है एक बार सेवा का मौका जरूर दें, यहाँ बहुत सारा ऑफर निकाले हुए हम स्क्रैच करें और विन हो, जिसमें पहला प्राइज पल्सर 125, सेकेंड प्राइज वॉशिंग मशीन, थर्ड प्राइज फ्रिज है। उसके बाद स्क्रैच करने के बाद आपको हैंड टू हैंड ऑफर भी मिलेगा, जिसमें बोट का हैंड वॉच है, बोट का ईयरपॉड्स है, बोट का नेकबैंड है, ये सारा बहुत सारा और ऑफर है, और 99% पे लोन भी उपलब्ध है। और आधार कार्ड पैन कार्ड सिर्फ लेके आए, अगर वो भी नहीं है तो आके सीधे मिले, उनको भी लोन दिया जाएगा। यही सारा ऑफर है, बहुत सारा ऑफर है, आप लोग आइए एक बार सेवा का मौका दें। अच्छा, जिनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो इनको किस तरह से? मैं अपने तरफ से फाइनेंस करूंगा। आप अपने तरफ? जी, अपना सेल्फ वेरिफिकेशन करके उनको उनका पूरा देख करके अपने तरफ से मैं फाइनेंस करूंगा। अच्छा, ये बताइए जो अन्य जगह एजेंसी है, सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इनके में और आप में क्या तुलना है? इनके में और मेरे में तुलना में आपको ये ऑफर का देख सकते हैं, अभी ये मेरे ऐसा ऑफर और कोई ब्रांच आपको कहीं नहीं दे रहा है,
कहीं भी नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यवहार का होता है, किसी भी एजेंसी में जाइएगा तो व्यवहार आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ आइए, आप व्यवहार देखिए, मेरा काम देखिए, तब आप बोलिए कि क्या है जी। जैसा कि अभी अभी हमने आपके उद्घाटन में आए हुए एक शख्स हैं, पूर्व सरपंच हेमंत जी, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने भी ये बात कही कि सम्मान के साथ सम्मान जी, सामान के साथ सम्मान, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके बारे में ऐसा उन्होंने बताया कि आप लोगों को सामान के साथ सम्मान दोनों दे रहे हैं जी, जी, जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और हम लोगों के चैनल की ओर से भी आपके को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहें और लोगों का सम्मान भी करें और सामान भी इसी तरीके से, जैसे कि अभी आपने उपहारों की बौछार लगा रखी है, तो हम अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि एक बार यहाँ आए और लकी विजेता बनने का मौका पाएं जी, एक बार जरूर सेवा का मौका दें, एक बार आके तो देखिए उसके बाद कहिए क्या है नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पैन लैब, डीएमआई कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।